Good morning friends, again we will start with the problem solving session. Actually there are many problems which already I have taken, so I am also in the problem from where to get the problem, and that is a very big problem. So it's okay, we are habitual to fight with the problems so that problem will not be a big problem. So you don't need to be in problem, okay? तो बेटा पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन. ओके आपको दिया है, आप अपना अपना शीट खोल के रखो. ओके स्पेशली दोज वर नॉट गिविंग मी रिप्लाई और नॉट आस्किंग मी एनी डाउट. सुमेध आर यू देयर? इफ यू आर देयर देन जस्ट रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप. आई कीप द सेटिंग फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स. सुमेध इफ यू आर लिसनिंग टुमारो आई वॉन्ट यूर thumb up. Sumedh is there, Karan Othekar is there, Sunny was there yesterday. Okay, from girls, some girls from A1, they have come to A2, they also thumbs up and write your name so that I will also be able to understand who are listening. Okay, be cool and do your studies. I'm there with you whole year, so don't worry, only don't leave your studies. Okay, that's a one. Okay, we'll start with. First is, if a slab of insulating material 4×10⁻³ thick is introduced between the plates of the parallel plate capacitor. Okay, so we are having a parallel plate capacitor, and now a dielectric slab has introduced between the plates of the capacitor. Suppose like this. Then what are we to do? We have to keep the capacitance same. See, properly. We have to keep the capacitance same. We can change the distance. Means this. This is suppose D, and this is suppose D dash. Then, in order to keep the capacitance C same as this, I have to increase this by 3.5×10⁻³ meter. So D dash will be D plus 3.5×10⁻³ meter. ये आपको ध्यान में रखना. और उसका thickness कितना दिया है? Thickness कितना दिया है? 4×10⁻³. Thickness will be 4×10⁻³ meter. लेकिन capacitance दोनों का same रखना. तो ठीक है अभी. तो आपका फॉर्मूला है ना, डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. दैट फॉर्मूला वी मे यूज विद दैट. ओनली द थिंग इज दैट वेर एवर यू विल फाइंड डी यू विल पुट डी डैश. तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी. ध्यान से देखो इसका कितना आएगा, एकदम सिंपल है. ए एप्सिलॉन नॉट के भी आएगा क्योंकि इधर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसका के है. अपॉन मतलब उसके ऊपर के, हाँ वो तो ऊपर नहीं आएगा, शायद नीचे आएगा वो. टी मतलब उधर ही आएगा, सॉरी इधर ही आएगा वो. डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के. लेट मी चेक वंस अगेन. यस ओके. सो दिस विल गो ऑफ. आपको ये करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको सिंपल में कर सकते हैं. 1/D = 1/D' को कैसे लिखोगे? इसको आप डेल्टा डी पकड़ो. डी डैश प्लस डेल्टा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. सो आई हैव सेपरेटली कैलकुलेटेड दैट व्हाट इट कम्स. सो इट कम्स आउट टू बी हैविंग वैल्यू. ये भी शायद मैंने किया होगा पहले पहले वीडियो में, तो देखो जरा. तो ठीक है, फिर से एज अ रिविजन, एज अ रिविजन ही है तो हो जाएगा. ये मैंने कैलकुलेट किया है तो कितना आता है? K will be equal to T upon T minus delta D. ये कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, करके दिखा है. ठीक है, D dash plus delta D minus T plus T upon K is equal to D. ये सॉरी, D dash plus नहीं,
डी डैश का मतलब है डी प्लस डेल्टा, सॉरी वेरी सॉरी, डी डैश का मतलब है डी प्लस डेल्टा डी। तो ये क्या हो जाता है, डी डी कैंसिल हो जाएगा, बराबर। अभी टी माइनस डेल्टा डी को उधर ले जाओ, है ना, टी माइनस डेल्टा डी को उधर ले जाओ, मतलब ये कैसे हो सकता है, टी बाय के इज इक्वल टू, समझ गया आप, डेल्टा टी माइनस टी है ना, ओके। तो कैसे करते हैं देखो, पहले डेल्टा डी को उधर दे दो, ये माइनस हो गया डेल्टा डी, माइनस टी है, प्लस टी हो जाएगा उधर, ये हो गया। अभी टी को उधर दे दो, तो के कितना बन जाएगा, टी माइनस डेल्टा डी अपॉन टी, वन बाय के हो जाएगा ना ये, तो के कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, के इतना आ जाएगा। अभी इसमें इसका वैल्यू डालो और वैल्यू डाल के आंसर निकालो, ओके। सो ये आंसर मुझे ग्रुप पे मिलना चाहिए हर एक का, ओके। ग्रुप पे आपका आंसर हो जाने के बाद थम डालो, आई बी वेटिंग फॉर योर थम, ओके। विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट, देर आर सेवन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ओके। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज सी, ओके। एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, ओके। दे हैव आस्क्ड once we are connected them in series the equivalent capacitance is becoming C and once we are connecting them in parallel they are asking what is the equivalent capacitance. Let's go to solve that, okay. How many are there? 7, okay. So but we are having the formula for equivalent na, that we have to see for, लेट मी चेक वेदर इट इज लुकिंग, थोड़ा दिक्कत आएगा लेकिन ठीक है। फॉर एन इक्वल, थोड़ा थोड़ा बाजू बाजू में लिखता हूँ, इन सीरीज, दूसरा यूज करता हूँ, फॉर एन इक्वल इन सीरीज क्या लिख सकते हो आप, फॉर एन इक्वल इन सीरीज को कैसे लिखने का, सी S इज इक्वल टू, सीरीज में क्या होता है, हाँ, N इक्वल है तो क्या हो जाएगा, C बाय N, और फॉर N इक्वल इन पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा, एकदम सिंपल है, C पैरेलल विल बी एन सी। तो उन्होंने क्या दिया अपने को, वेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इट C, so our cs is equal to c है, और उसका वैल्यू कितना आएगा, अपने को मालूम है ना 7 है, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, पहले लेट हाँ उसको c नॉट पकड़ते हैं, ओके, c नॉट बी द कैपेसिटेंस ऑफ ईच, हर एक का कितना है, c नॉट बी, c नॉट, तो सी एस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 7 सी नॉट, बराबर। देयरफॉर सीपी कितना आएगा, सीपी तो सी नॉट बाय 7, लेकिन सी नॉट का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहां से अगर मैंने लिया, यहां से वैल्यू निकाला, हर एक का उनका कितना है, सी है ना, सीरीज करके, इफ आफ्टर द सीरीज कॉम्बिनेशन इफ द कैपेसिटेंस इज 7 सी नॉट, देन सी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, सी नॉट विल बी सी बाय 7, सी नॉट विल बी गोइंग आउट टू बी सी बाय 7, तो यहां पे अगर किया तो सी बाय 7, 7 जा 49, तो आपका ऑप्शन है क्या उधर, इट्स करेक्ट, ओके ओके। खाली थोड़ा सा उन्होंने आंसर क्या दिया, 49 दिया, इधर देखो ठीक से, इक्वल इन सीरीज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज सी, सो सी सी इज इक्वल टू इतना गया, अरे हाँ एक मिनट, वेरी सॉरी, उनको सीरीज में क्या किया ना, सॉरी वेरी सॉरी, ये उल्टा आएगा, सॉरी सीरीज के लिए, हाँ बराबर, सी बाय 7 है, सी बाय सी नॉट बाय 7 है, बराबर बराबर, इज इक्वल टू सी, बराबर, और सी पे में कितना आएगा,
7C0, ये क्या है, दिया है ना, अरे 7C0 आएगा, और 7C0 का कितना वैल्यू आएगा, 7C, सो C0 कितना आएगा, 7C, फिर से देखो 7 × 7C बराबर 49C आएगा, देखो फिर से n इक्वल n सीरीज विल बी सी बाय n, ये दिया है सी एस सी, ओके तो सी का वैल्यू कितना आएगा n, सॉरी सी बाय n, तो ये आएगा सी नॉट के वैल्यू पकड़ लिया C0/7, तो ये C0 कितना मिलेगा, C0/7 = C, सो C0 कितना मिलेगा 7C। अभी पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में 7C0 और C0 का वैल्यू यहाँ पे डालोगे 7C, सो 7 × 7 = 49, 49C विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट फिगर्स आर गिवन टू यू ना, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड आर टू बी कनेक्टेड टू हैव अ टोटल कैपेसिटी 10/11 माइक्रोफेरेड। ओके ओके ओके, 7 आर टू बी कनेक्टेड, तो अपने को ऐसा नहीं बोले वो इतना पैरेलल करो इतना सीरीज कैसा भी करो, उनका कैपेसिटी इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 10/11, सो सी इक्विवेलेंट शुड बी 10/11 माइक्रोफेरेड, तो कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से चलेगा। ओके तो मैं तीनों भी करके दिखाता हूँ। ए में कैसे आएगा, फटाफट होता है ना, 2 माइक्रोफेरेड है बराबर, ये कितना है, ये पहला देखा तो आपने, पहले में 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो ऐसा 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे दिया है ना पहले में, और इधर कितना दिए, 2 दिए। अभी 10/11, अब इससे मतलब क्या निकलता है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, एक्चुअली करने का भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए वो करना पड़ेगा, मतलब आपको झट से कैसे निकालना है उसका आंसर, उसका ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये इधर 3 लिया, ओके बाद में कितना लिया, इधर 3 दिया और बचा हुआ डायरेक्ट सीरीज में डाला, 1, 2, 1, 2, 1, 2 और डी का इधर डालता हूँ, डी इधर लिखता हूँ, डी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये 2 इधर है और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ यू सी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हाउ इट इज कमिंग, हाँ वो वी आर कनेक्टिंग मीन्स जितना सीरीज में करोगे उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा और जितना पैरेलल में करोगे उतना ऐड करना पड़ेगा। तो 10/11 मतलब कैसा नंबर आता है, लेस देन 1 आता है, तो लेस देन 1 आने के लिए कौन सा होगा, अभी ये देखो इसमें 7 है ना और ये 2 ही पैरेलल है, तो मतलब ये क्या हुआ, 2 × 7/2 + 7, ओके 14/9, ये तो चला गया, ये देखो 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 3 = 12, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 यहाँ पे किधर भी नहीं है, समझ गया आप मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2, 3, अरे 1, 2, 3, 3, 3 का सीरीज कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट सॉरी, ये 2 कितना है 2 माइक्रोफेरेड मतलब ये सॉरी 2, 2 मतलब ये 4 आएगा और 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2/5 आएगा, अभी इसका करो बराबर ना, अभी इसका सीरीज करो फिर से, मतलब 4, 5 = 20, 20 × 2 / like this ऐसा करना पड़ेगा, तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा पहले, वो आता है प्रैक्टिस से आता है आपको कि किसका कैपेसिटी ये कॉम्बिनेशन में, दोनों का बाद में आपको सीरीज करना है, देखो यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन, ये सब आपको सीरीज करना ही है, तो लास्ट में सीरीज करना ही है उनका, तो इसका भी 1, 2, 3, 4, 5 आया, ये 2, 5 × 10 इधर ही होता है, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 10 नहीं इधर 2, 2 नहीं हो सकता, अरे यार फिर से ये 5 आएगा और ये 2, 1, 1 का मिला के 2, 2 का मिला के 1 हो जाएगा, सो 5 × 5 / 5 + 1 = 5/6 आ रहा है, ओके
तो देखते हैं अभी किसका आता है, करना तो पड़ेगा अभी ये तो, अभी देखते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर व्हाट आई हैव टेकन। वो बता रहे ए, ए बता रहे हैं 10/11 माइक्रोफेरेड ना, तो इधर पांच है ना, 1 2 3 4 5, सो 5 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, उसको डायरेक्टली करते हैं 5 × 2 × 2, ये करना करने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, ये कितना हो रहा है, 2 × 2 = 4, 5 = 20, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये मतलब ये इसका कुछ तो गड़बड़ हो रहा था ये 2 का 1 देके गड़बड़ हो रहा था। 10 + 10 = 20, 24, फिर भी नहीं आ रहा है। 10/12 आना चाहिए ना, ये 10/11 इधर कितना लिखा है, 10/11 होना चाहिए ना एक्चुअली। ये चेक करता हूँ मैं आंसर इसका, लेकिन आपको टेक्निक समझ गया क्या करने का है। जो है ये रेशियो देख के, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो यू डिसाइड व्हिच विल बी मोस्ट प्रोबेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, आई विल बी गिविंग यू द आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अबाउट, ओके, नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 का C दिया है। आप पढ़ रहे हो ना, लिख देख रहे हो ना, बीच बीच में आपको लिखना है तो लिखते भी लो, नोटबुक बाद में आपकी चेक करने वाला हूँ। ओके, एवरीबडी इज नोटबुक, आई विल सी डेट वाइज, मेरे पास सबका डेटा है व्हाट्सएप पे, मैंने डिलीट नहीं किया है, पूरा मोबाइल भी भर जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मोबाइल खरीदेंगे, किसी के पास से ले लेंगे दूसरा मोबाइल, कार्ड में डेटा सेव करेंगे, डेटा तो सेव रहेगा। जिन लोगों ने मेरे को डाउट पूछा है और जिन लोगों ने नहीं पूछा है, क्योंकि आपका क्लास का स्ट्रेंथ देख के मेरे पास जो डाउट आ रहा है वो कम आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब डाउट बना बना के करो, ऐसे नहीं, जो पढ़ता है उसको डाउट आता है, जो नहीं पढ़ता है उसको डाउट नहीं आता, ये मेरा सिंपल लॉजिक है। आप देखो अभी क्या है, नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1, C2, C3, C3। ओके, बनाओ तो मैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, आपके पास है लेकिन मेरे को दिखाने के लिए तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। C1 C लिखा है, C2 2C लिखा है, C3 3C लिखा है, और C4 4C लिखा है। अब क्या बोला है, आर कनेक्टेड इन टू इन बैटरी शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C2 एंड C4। हाँ, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, पहले तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनाते हैं। पहले क्या करो, रीड्रॉ, मतलब अपनी माइंड में करो, मैं इधर माइंड में नहीं कर सकता, आपको दिखाने के लिए मेरे को करना ही पड़ेगा। 1 2 3, ये तो सीरीज में बन गया, ये वाला पैरेलल में बन गया, तो पहले 3 सीरीज में और ये पैरेलल में। अभी आपको क्या समझा, तो ये C2C 3C और ये 4C, पहले इक्विवेलेंट निकालो उनका, सी इक्विवेलेंट इन लोगों का कितना आएगा, C2C 3C upon 2C into C 2C square 2C 3C 6C square and 3C 3C square, मतलब कितना हुआ, 3 × 6 6C cube upon 6 + 2 8 + 3 11 C square, सी सी चला गया, ये बन गया 6/11C और ये 4, तो 6 × 6C/11 + 4, 44 + 6 50C/11, ये क्या बन गया, C equivalent। अभी इसके ऊपर अगर चार्ज निकालना है, अपना रेगुलर मेथड आजमाएंगे हम, सीरीज में है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो इधर Q1 बोलता हूँ, इसके ऊपर Q2 बोलता हूँ, तो टोटल चार्ज Q विल बी Q1 + Q2, और ये वोल्टेज तो उतना ही रहेगा। तो अभी क्या बोला है, C2 और C4 के ऊपर, C4 के ऊपर चार्ज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V, तो 4C को तो पूरा V जाएगा, तो
ये क्यू टू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्यू टू विल बी 4C into V, 4CV। और क्यू वन को निकालने के लिए आपको इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकाले आपने 6C/11 वो ले लो, तो क्यू टू विल बी, क्योंकि उतना ही चार्ज सबके ऊपर रहेगा। ओके, सो क्यू टू विल बी 6C/11 into V। अभी रेशो पूछे पूछा है किसका, किससे पूछा है, टू का फोर से या फोर का टू से, टू का फोर से पूछा है, तो एकदम सिंपल बनता है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। टू का मतलब ये, मतलब क्यू वन अपना Q1/Q2 विल बी, अभी इसको हटा दे, साइड में कर दे थोड़ा, हट जाओ बाबा, ये आप रिवाइंड करके देख सकते हो पॉज करके, इतना कुछ नहीं, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, अभी क्लास में भी बोलना पड़ेगा ना, अब पॉज करके देखो, मेरे को भी ऐसा पॉज होना पड़ेगा क्लास में, दैट वाज अ जोक है। 4CV/6CV/11, सो इट विल बी 11 फोर 44 CV/6, सॉरी CV 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 कैंसिल, 11/3 कितना आ रहा है, अरे यार, अरे हाँ यार, ये क्या हो रहा है, 22/4 आ रहा है, 22/3, इधर 11 लिखा मैंने गलती से भी। ओके, तो ऐसे करने का प्रोसीजर समझा आपको, क्या क्या किया मैंने, पहले इसका रिड्रॉ करके लिया सर्किट, दोनों चार्ज एकदम कूल माइंड से करने का, अभी ये दिखाने के लिए इतना टाइम लगा, असल में अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं ऐसा देख के करूंगा, ये 2C 3C, मेरे को मालूम भी होगा ये 2 1 2 3 है ना, तो 6/11 प्रैक्टिस से आता है आपको, अगर ये 1 2 3 है, हाँ 6/11 आएगा। ओके, ये 4 6/11 4, ओके 44 50/11, ओके ये हो गया 50/11 टोटल, उसमें से इसका कितना आएगा, डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि ये दिया है वी, ये आ गया तो 50/11 से वो ये सब्सट्रैक्ट किया तो भी आएगा आपको, इतना सिंपल है। ओके, सो ये आप लिख के लो, करके लो, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिफोर दैट लेट मी चेक व्हाट इज द टाइम। ओके, वन मोर प्रॉब्लम वी कैन डू टुडे, आई विल मेक इट ऑफ 30 मिनट्स, एक दिन मैंने आपको रेस्ट दिया था ना, मेरी रेस्ट की वजह से, तो थोड़ा आज काम करना पड़ेगा, कल भी होगा वीडियो, आपको टाइम टेबल भी मिला होगा शायद, शायद नहीं मिला है आपको, मैंने पढ़ा है ग्रुप पे, है ना, तो ग्रुप पे क्या दिया है टाइम, 1 मिनट, हाँ ओके, तो दिया है आपको ना सैटरडे शेड्यूल 8 to 11 एग्जाम, हाँ आपका एग्जाम होगा सैटरडे को, मतलब कल 11 to 11:30 आंसर शीट है। ओके ओके, डाउट तो ठीक है, 11:30 to 1 मेरा डाउट का लेक्चर डालूंगा मैं, कितना घंटा दिया, 11:30 to 12:30, 1.5 घंटे में, ओके ओके 11:30 को मैं डाउट का सेशन आपका डालूंगा, जितना हो सकता है बाद में देख लो आप, ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद में ही मेरा लेक्चर कब है, 4 to 5 मेरा लेक्चर होगा। ओके, तो उसी टाइम में वो डाउट का सेशन कैरी फॉरवर्ड करूँगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वर्क डन इन प्लेस प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻¹ कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, ये एकदम सिंपल है, 100 माइक्रोफेरेड, सो सी दिया है 100 माइक्रोफेरेड, और वर्क डन पूछा है, वर्क डन मतलब क्या पूछा है, यू बराबर, तो आपको चार्ज दिया है ना और कैपेसिटी दिया है, चार्ज कितना है, चार्ज दिया है 8 × 10⁻¹ कूलम, तो इसको तीन फॉर्मूले है, हाफ सी वी स्क्वेयर से कर सकते हो, नहीं तो हाफ क्यू वी से कर सकते हो, नहीं तो Q² / 2C से कर सकते, तो इधर हम Q² / 2C से करते हैं, तो 8 × 8 × 10⁻¹ × 10⁻¹ बराबर है ना चार्ज,
बराबर है, 2 × c कितना है, 100 × 10⁻⁶, तो 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32, ये भी -6 और ये प्लस, मतलब ये -4 हो जाएगा, तो ये -4 ऊपर जाएगा, तो -18 इंटू ये -4, मतलब वो प्लस हो जाएगा -14, ये ज़्यादा रहे नहीं, बराबर है, बराबर है, करेक्ट है, ये कितना है, 18 × 14 = 32 हो गया, -32 कितना है, 16, सो 32 डी ऑप्शन आएगा आपका, बराबर है, नो प्रॉब्लम, ओके लिख लो, एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, ओके। अगेन आपका एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक से पढ़ाई करो। अरे यार अपना वीडियो भी है ना, आगे उसमें बोलता हूँ।